जब तुम पर इतना बड़ा झूमर गिरा है, I didn't know how to react. आप प्लीज डोंट वरी, मैं ठीक हूँ. यू नो, अब तुम्हें ऐसे देखकर मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, बट द मेरा फैमिली, ओह माय गॉड, आई कांट टेल यू. बेचारे वो लोग इतने टेंशन में आ गए, एंड दो ही मीटिंग में तुम्हारे साथ ऐसा कनेक्शन, फैंटास्टिक. कोई रो रहा है, कोई खा नहीं रहा है, कोई टेंपल के सामने प्रे कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में उनके फैमिली में से किसी बेटी या डॉटर का या सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ है. आई फील लाइक अ स्ट्रेंजर अमंगस्ट एवरीवन, बट द फैक्ट दे वर ग्रेट सपोर्ट. अगर ये सब यहाँ पर नहीं होते तो शायद मैं अकेले हैंडल कर ही नहीं पाता. एंड यू नो दिस पूरब वाइफ दिशा, उसने तुम्हें अपना खून भी दिया. अब तो तुम दोनों खून के रिश्ते से बंध गए हो. क्यारा कैसी है? इन सब हड़बड़ाहट पे मैंने उसे फोन करके नहीं बताया. मैं नहीं चाहता था वो डर जाए. प्रज्ञा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था. सो आई जस्ट, आपने बिल्कुल ठीक किया. उसे बताते वो हॉस्पिटल आने की जिद करती. ठीक किया, नहीं बताया. मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ और देर बैठूं, बट डॉक्टर सेड तुम्हें आराम की जरूरत है. तुमसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए. बट अगर अभिषेक मेहरा वापस आए यहाँ पर, तो उससे अच्छे से बिहेव करना. व्हाट आई मीन इज, लुक नॉर्मल, स्माइल. क्योंकि सच बताऊं तो सबसे ज्यादा टेंशन उसी को थी तुम्हारे लिए. I'm going to go check on Kiara. Okay? अगर अभिषेक मेहरा वापस आए यहाँ पर, तो उससे अच्छे से बिहेव करना. सच बताऊं तो सबसे ज्यादा टेंशन उसी को थी तुम्हारे लिए. तो दिशा, तुम क्या कर रही हो? आप क्या कर रहे हैं? क्यों जाने दिया किम को अंदर? पहले जीजू जा सकते थे ना अंदर, सबसे पहले दी से मिलने के लिए. क्या हो जाता अगर सबसे पहले वो मिल लेते प्रज्ञा दी को? क्या हो जाता अगर सबसे पहले जाकर हाल पूछ लेते जैसे हमेशा? मुझे पूरा यकीन है आगे खोलते ही दी अगर जीजू को सामने दिखती ना, ये खुश हो जाती. पर नहीं, आप में से किसी ने कुछ नहीं किया. कोई चाहता ही नहीं है कुछ करना. आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, जीजू अपने हक के लिए, अपने प्यार के लिए कभी नहीं लड़ेंगे. सिर्फ अपने आंसू से लड़ते रहेंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे. उनको अच्छे से पता है उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या जरूरी है उनके लिए. पर नहीं बोलेंगे. अगर वो नहीं बोलेंगे तो हम नहीं समझेंगे. हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते. ऐसे नहीं, आप मुझे शांत करने की कोशिश भी मत करिए. मैं नहीं होने वाली हूँ आशा. आपके कहने पर मैंने नहीं बताया जीजू को कि कियारा उनकी बेटी है. बार बार मैं ये कहती रही कि बता देते, ये सही मौका है. बताना तो दूर की बात, प्रज्ञादी से मिलने पर भी अभी हम श्योर नहीं है कि कियारा अभी और प्रज्ञादी की बेटी. मुझे मालूम है ना, मेरा दिल ये जानता है. आप एक बार जीजू को बता के तो देखिए. वो खुद भी समझ जाएंगे कि हम सच कह रहे हैं. वो खुद फील कर लेंगे जो मैं फील कर पा रही हूँ. मैं जानती हूँ ना, वो जीजू और दी की बेटी. नहीं बताएंगे ना? ठीक है, अब अगर आपने नहीं बताया तो अभी जाकर मैं बता रही हूँ. मैं जा रही हूँ. बताने से पहले ये जान लेना कि अगर अभी का दिल टूटा तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी. अगर कियारा अभी और प्रज्ञा दी की बेटी ना निकली तो उसके दिल की जो हालत होगी वो उस वक्त से भी बदतर होगी. तुम उसे एक ऐसी खुशी देके छीन लोगी जो उसकी दुनिया से भी बड़ी, और फिर वो एक ऐसे अंधेरे में चला जाएगा जहां से वो क्या हम भी उसे निकाल नहीं पाएंगे. दिशा, मैं भी अभी को खुश देखना चाहता हूं, पर ऐसे नहीं. और हमारी क्या बात हुई थी, जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि कियारा अभी और प्रज्ञा दी की बेटी है तब तक हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे. अभी प्रज्ञा दी की शादी तो बर्दाश्त कर नहीं पाए, उनकी बेटी है ये कैसे बर्दाश्त करेगा?
अगर प्रज्ञा दी से मिलने अभी से पहले किंग चला गया तो क्या हो गया? हस्बैंड है वो उनका, और दुनिया की नजर में तो पहला हक उसी का बनता है। क्या करूं? मुझसे ना उन दोनों की तकलीफ देखी नहीं जा रही है तो अलग अलग है इस तरह से अच्छा नहीं। समझ में नहीं आ रहा था मेरे कैसे रिएक्ट करूं। जो तुमने आप किया वो मत करना। अगर इस तरह इमोशनल होके भागोगी तो आज नहीं तो कल अभी को शक हो जाएगा कि हम उससे कुछ छुपा रहे। दिशा, तुम चाहे कितनी भी इमोशनल हो जाओ लेकिन कियारा वाली बात अभी को नहीं बताओगी। तुम्हें सनी की कसम। उनके बाल ऐसे ऐसे थे और उनकी नोज ऐसे थी स्ट्रेट और फिर कान ऐसे थे। बच्चा और बताओ। उन्होंने ब्लैक कोट पहना था और उनके चीक्स वाइट वाइट थे और थोड़े पिंक। और बेटा तुमने उसकी शक्ल देखी थी ना, तो कोशिश करो याद करो। और कुछ उसके चेहरे के बारे में? और कुछ तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उन्होंने उनका मर्डर किया था और उन्होंने अपनी गाड़ी से उन्हें मार दिया था। अच्छा कुछ बनाया है? दिखा दो। मुझे भी दिखाओ। अच्छा ये देखो। नहीं, उनकी नाक इतने मोटे नहीं थे और उनके बाल ऐसे ऐसे नहीं थे, उनके बाल स्ट्रेट और ऐसे थे। बेटा आपने जैसे बोला था वैसे ही बनाया है। एक्चुअली मैंने उनका साइड फेस देखा था ना, तो इससे याद नहीं आ रहा मुझे। एक काम करो, इसे फिर से बनाओ। वेट, मैं दूसरा बना देता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब अच्छे से याद करो और फिर से बताओ। बस इतना ही याद आया। बन गया, दिखा दो। बेटा वो ऐसा था? हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही था। हाँ, ऐसा ही था। विवेक, इसकी फोटोकॉपीज निकालना, हर थाने में भिजवा दो और कहना मर्डर का चार्ज है। ये खूनी बच के जाना नहीं चाहिए। ये लो। शाबाश बिटिया, मरने वाले को तू ही इंसाफ दिलाएगी। बहादुर बच्ची है। Hey, you okay now? Hey, बिल्कुल बिल्कुल सनी की तरह दिख रही। जब सनी नाराज होता है तो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है। वो बच्चा है, मैं उसे समझा सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। तुम्हें समझना होगा कि कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं है। सब है, बस आपको ये समझने की जरूरत है कि जब मुझे लगता है अभी तुम्हें प्रज्ञा से मिल लेना चाहिए। जानता हूं तुम उससे मिलना चाहते हो। थैंक्स, मैं घर फोन करके आता हूं। कहाँ हो तुम लोग? What?
पुलिस स्टेशन? यस सर। पर क्यों? कौन सा पुलिस स्टेशन? वो वसंत कुंज। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बच्चों को छोड़ के बाहर से हिलना नहीं। रुको, उनके साथ में आ रहा हूँ अभी। ओके सर। ओह गॉड, 11 तो पुलिस स्टेशन में बहुत डरी होगी। जरूर ये ड्राइवर ने सड़क पे कोई झगड़ा किया होगा और पुलिस ने केस बना दिया। ए पूरा, आई कॉल यू बैक लेटर। डू मी अ फेवर, बहुत जरूरी काम आ गया मेरे लिए। प्रज्ञा का ख्याल रखना, आई विल बी बैक सून। लेकिन तुम जा कहां? इट्स इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन। इस तरफ के भी बाल परेशान कर रहे हैं। ठीक कर देंगे। मुझे परेशान करने में जानबूझकर करती हो ये, जो तुम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती हो मुझे डराने के लिए। तुम चोट खा के लेट गई, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं मतलब हम सब कितने परेशान थे। जब मैं कुछ बोलूं तो सुन लिया करो। चिल्लाकर बोला था हटने के लिए, पर तुम नेक्स्ट टाइम तुम्हें ऐसा कुछ भी करना हो ना तो प्लीज हमारे सामने मत करना, क्योंकि मैं ये सब देख नहीं सकते। सॉरी। क्या सॉरी? सबकी क्या हालत हो गई थी? दासियों की तो ऐसी हालत थी कि पता नहीं कब क्या हो जाए। पूरब डरा हुआ था, दिशा रोए जा रही थी, थाई जी बार बार केमिस्ट के चक्कर लगा रही थी, मिताली भाभी राज भैया परेशान थे, और वो किंग भी बहुत डरा हुआ था। कभी नर्स के पास जाता था, कभी डॉक्टर के पास। सब लोग। और आप क्या कर रहे थे? आप कैसे बताओ कि नास्तिक होते हुए भी मैं भी भगवान से तुम्हारे लिए प्रे कर रहा था।
और ये भी कैसे कहो कि वो तुम्हें मेरी दुनिया में तो नहीं कि वापस इस दुनिया में ले। अब क्या कर रहे थे? पता है कितने दिनों बाद तुमने मेरा हाथ पकड़ा है। वो भी बिना झगड़ा किए। जानबूझ के थोड़ी झगड़ा करती हूँ। पता है मुझे, मैं नहीं चाहती, पर पता नहीं क्यों। मैं भी नहीं चाहता था, पर देखो ना, जब भी हम जिंदगी से कुछ नहीं चाहते थे, सर वही होता था। आने का मन तो नहीं था, पर फैमिली वाले शक ना करें इसलिए आना पड़ा। काश के अंदर जाते ही मुझे प्रज्ञा की मरने की न्यूज मिल जाए। रोने की ऐसी अवार्ड विनिंग एक्टिंग करूंगी ना कि मुझे देखते डॉक्टर्स भी रोने लगेंगे, और फिर घर जाके ऐसा डांस करूंगी कि ऊपर स्वर्ग में अप्सराएं भी मुझे देखकर नाचने लगेंगी। वो रही मेहरा फैमिली की पंचायत, और ये लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं? प्रज्ञा कैसी है? अच्छी है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। हाँ, और पता है डॉक्टर ने सबको मिलने के लिए भी बोला। ये रॉबिन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो बैग यहीं पे कहीं पे था, पता नहीं। रॉबिन नहीं है, मतलब उसे पुलिस स्टेशन से फोन आ गया होगा। मिस्टर सिंह वो अंदर है? नहीं नहीं, किंग अंदर नहीं है। वो क्या है ना, डॉक्टर ने एक एक करके मिलने के लिए बोला है ना, तो अभी अंदर गया हुआ। मैं भी जाकर आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे तुम्हें मिताली ने कहा ना कि डॉक्टर ने कहा है कि एक एक करके जाना है। रुको तनु, तनु, रुको। अरे अरे ये ऐसे कैसे चली गई? आपसे कहा था भाभी मत बताएं। हाँ गलती हो गई मुझसे, और मुझे पता है ये मिलने के लिए नहीं गई है, देखने के लिए गई है। मुझे नहीं बताना चाहिए था उसे, इसलिए कहा था। बताया नहीं। किस बारे में? सब परेशान हो रहे थे तो आप, आप क्या कर रहे थे? मैं कैसी हो प्रज्ञा? I'm so happy कि तुम्हें होश आ गया। You know, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं गई थी, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी हॉस्पिटल आने की, इसलिए मैं बाहर ही थी। और फिर मैं मंदिर चली गई और मैंने भगवान से प्रे किया कि जब तक तुम्हें होश नहीं आता मैं मंदिर से नहीं जाऊंगी। तनु प्रज्ञा बहुत वीक है, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा, और डॉक्टर ने भी कहा कि एक एक करके मिलना। तुम एक काम करो, मेरे बाद अंदर आ जाओ। आई नो अभी, लेकिन मुझे प्रज्ञा की फिक्र थी कि जो एक्सीडेंट हुआ ये हमारे घर पर हुआ। मैं बस प्रज्ञा को सही सलामत देखना चाहती थी, इसलिए मैं देख लिया ना। अब जाओ। नहीं अभी, मुझे प्रज्ञा से कुछ बात करनी है, प्लीज। इंटरेस्ट मी, मैं
मैं उसे कुछ बोलने नहीं दूंगी। प्रज्ञा तुम ठीक हो? ये देख के आई एम रियली हैप्पी बट एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग सॉरी। ना मैं तुम्हें पार्टी में इनवाइट करती और ना ही तुम मेरी देवरानी की एनिवर्सरी पे पार्टी पे आती और तुम्हारे साथ ये एक्सीडेंट होता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके गुनहगार मैं हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद ही को सजा देती। आई मीन कहाँ तुम अपने हस्बैंड के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी और कहाँ तुम्हारी ये हालत। okay. मैं देती हूँ। वैसे क्या कहा है डॉक्टर ने, कब तक डिस्चार्ज मिलेगा? वरना इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद कोई जिंदा कैसे रह सकता है?